घनसावंगी के बुजुर्ग नौजवान साथी माएं और बहने सुषमा ताई जी की उनका शानदार भाषण राजेश भैया टोपे जी निसार देशमुख जी मिलिंद लोहार जी नासिर खान साहब ख्वाजा भाई इब्राहिम पठान साहब अमोल टोपे जी अक्रम बागवान साहब इनामदार साहब समद बागवान साहब अली अर्शद बागवान नाजिम साहब पिछले तीन घंटे से भाषण सुन रहे हैं। मैं पहली बार आपके दयार मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं और कोशिश करूंगा थोड़ी देर आपसे शायरी की ज़बान में भी बात करूं और थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू भी करूं। बड़ी तादाद में बाईं तरफ सामने दाईं तरफ पीछे छतों तक लोग बैठे हुए हैं। जालना बहुत दिनों बाद आना हुआ है और घनसावंगी तो पहली बार आया हूं। चरागों के सफर में दबा आंधियों का चरागों के सफर में दबा आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्म के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। आने वाली 20 तारीख को आपको ईवीएम की कतार में खड़ा होना है और सिर्फ घनसावंगी के भविष्य का फैसला करना है बल्कि महाराष्ट्र के भविष्य का फैसला करना है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यहाँ किसान बड़ी तादाद में बैठा है, नौजवान बड़ी तादाद में बैठा है। मेरा सौभाग्य यह है कि मैं आपका खासदार हूं, मैं राज्यसभा में आपका प्रतिनिधित्व करता हूं, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। राजेश टोपे जी को सुन रहा था, जिस तरह से उन्होंने सभी समाजों को जोड़ करके अपनी बात रखी, इस दौर में ऐसे राजनेताओं की बड़ी जरूरत है। वो माइक खड़े रहे थे, मुझे अशोक साहिल का शेर याद आ रहा था कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। मैं आज राजेश भैया टोपे के लिए आपसे अपील करने आया हूं और सामने बड़ी तादाद में मैंने कहा ना कि गांव से आए हुए लोग बैठे, भोले भाले लोग बैठे, हर समाज के लोग बैठे हैं। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन दलित, कौन ईसाई, इस भीड़ में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये चुनाव बहुत बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। दिल्ली में बैठा हाकिम ये सोचता है कि महाराष्ट्र को दिल्ली के रिमोट से चलाएगा, लेकिन ये महाराष्ट्र है, ये वीर शिवाजी महाराज की भूमि है, ये बाबा साहब अंबेडकर की भूमि है, ये अपनी अस्मिता के लिए लड़ने वाली धरती है, ये कभी ये कारनामा नहीं कर सकती कि कोई दिल्ली में बैठ के संचालित करे। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के लोग चलाएंगे, गुजरात और दिल्ली के लोग चलाएंगे, इस बात का चुनाव है। घनसावंगी वालों, राजेश टोपे जी ने आपके लिए क्या क्या काम किए हैं वो गिनाने लगूंगा तो फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं तो आपको समझाने आया हूं और खास तौर से मेरे अपने समाज के जो लोग हैं उनसे भी थोड़ी देर गुफ्तगू करने आया हूं। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतह किया तो यूनान जीतने के बाद जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक संत सड़क किनारे चादर तान के सो रहा है पेड़ के नीचे। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर घोड़े से उतरा और फकीर के पास उस सोते हुए संत के पास गया और उसे देख कर जोर की लात मारी और मार के कहा कि फकीर मैंने शहर जीत लिया, शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। उस फकीर ने उन्हीं आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख कर कहा
कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या ऊपर वाले की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो बादशाहत एक लात मारने वाले इंसान के हाथ में सौंपती? याद करिए कोरोना के दौरान एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार को किस तरह से तोड़ा गया, लोकतंत्र को किस तरह से लूटा गया, जमहूरियत को किस तरह माल किया गया, इसी महाराष्ट्र ने देखा कि जब आप जानों बचाने के लिए ऑक्सीजन और दवाइयां रह रहे थे और एक इंसान जो आपका स्वास्थ्य मंत्री था, हेल्थ मिनिस्टर होते हुए उसने ये नहीं पूछा कि किसका मजहब क्या है, किसकी जात क्या है, उसने ऑक्सीजन बांटा, दवाइयां बांटी, जान की परवाह नहीं की। लेकिन उसी दौरान दिल्ली में खड्डे रचा जा रहा था कि किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को लूटा जा सके। ये जो महायुति की सरकार है वो धोखेबाजों और खोखेबाजों की सरकार है। और अब आपके बीच में आए हैं फिर से वोट मांगने के लिए, तो फिर आपको तो ये उनसे ही देना है कि उड़ानों पे वक्त भारी है। मैंने सुना है, नाम भी यही है, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों के अपने नहीं हौसलों की बारी है। उड़ानों पे वक्त भारी है, परों के अपने नहीं हौसलों की बारी है। और दुआ करो के सलामत रहे इनकी हिम्मत, यही चरा कई आंधियों पे भारी है। ऐसे में कोई मोह होता है ना समझौता करने का कोई मोल होता है ना, खुददारी का मोल होता है, गद्दारी का मोल नहीं होता। एक तरफ नारा लगाने वाले लोग हैं कि बटोगे छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे, और एक तरफ महाविकासधारी क्या कह रही है कि हम आएंगे तो गारंटी दे रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार देंगे, 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा देंगे। क्या कह रही है महाविकासधारी कि महिलाओं हर महीने 3,000 रुपया देंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे, मुफ्त दवाइयां देंगे, और महिलाओं को बसों में टिकट नहीं कराना पड़ेगा, फ्री यात्राएं दी जाएंगी। हम नफरत की बात नहीं कर रहे, हम विकास की बात कर रहे, हम किसानों के लिए योजनाएं लेके आने की बात कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र है, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर महाराष्ट्र के लिए आवाज उठाई, तो ये बात पार्लियामेंट में कोर्ट की थी कि 2014 में प्रधानमंत्री जी यमाल के दाभड़ी गांव गए थे और वहां खड़े होकर महाराष्ट्र के किसानों को अच्छे दिन लाने का उन्होंने दिखाया था। लेकिन अब तो शायद उन्हें याद भी नहीं है कि उसी यमाल माल में पिछले 6 महीने में 132 से ज्यादा किसानों ने हत्या की है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदाना हो सकी बेटी किसान की, मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। हमारी आंखों में उन 700 किसानों की शहादत है जो सिंगल बॉर्डर पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री से ये कह रहे हैं कि ये शीर्षाले कानून वापस ले लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी किसानों को शहीद होते देख रहे, जब 700 जाने कुर्बान हो गए तो उन्हें ख्याल आया कि ये कृषि कानून गलत है, इन्हें वापस लेना चाहिए। उन 700 किसानों की शहादत का बदला लेने का चुनाव है ये। इसलिए मैं आपके बीच खड़ा होकर आपसे अपील कर रहा हूं। ये बड़े साजिश करने वाले लोग हैं।
बड़े धोखेबाज लोग हैं। ये नारा कुछ और लगा है, बातें कुछ और कहते हैं, करना कुछ और होता है। एक दिन प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे थे, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या दिया। इन्होंने ऐसे नारे लगाए कि पूरा देश एक बार अचरज में आ गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। या बड़ी बड़ी दादा हमारे हमारे दलित भाई बहन हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश में गांव है हाथरस, जहां दलित बेटियों के साथ बलात्कार किया गया और रात के 2 बजे उसकी लाश को बिना परिवार की मर्जी के जबरन जला दिया गया। पूरा देश चुप था। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा नेता राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, कि वो 44 डिग्री टेम्परेचर में दिल्ली से जब हाथ के लिए निकले कि हमें उस दलित परिवार से मिलना है, तो उत्तर प्रदेश की भाजपा की पुलिस ने कहा कि आपकी गाड़ियां नहीं जा सकती, मैं साथ में था, मैं गवाह हूं इस बात का। राहुल गांधी ने कहा हमारी गाड़ियों के टायर रोक सकते हैं, लेकिन हमारे कदमों को नहीं रोक सकते। वो चल चल हाथ के लिए 44 डिग्री टेम्परेचर में। मेरे भाई, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि वो आपको बांटने के लिए जितने हथकंडे हो सकते हैं वो उतने हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन आपको होशियार रहना है। वो तो ऐसे ऐसे लेंगे भाई 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 से लड़ाते हैं, गांव में वोट किसी के साथ है तो कोशिश करते हैं कि दूसरे वोट को कैसे खरीद के साथ किया जा सके। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, घनश्यामी वाली वाला मराठा वालों ने मेरी एक बात को याद रखना, घर ले जाना इस बात को, कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जिनकी आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। इस बात को याद रखना, ये बहुत शातिर लोग हैं, खतरनाक लोग हैं। ये चुनाव सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि ये देश डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा या किसी की तानाशाही से चलेगा, ये इस बात का चुनाव है। इसी महाराष्ट्र ने देखा कि किस तरह से पहले साजिश करके चलती सरकार तोड़ी गई, और उसके बाद सबने देखा कि सरकार तोड़ने से सुकून नहीं मिला तो शिवसेना का चुनाव निशान छीना गया। जब उन्हें उससे भी सुकून नहीं मिला तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव घड़ी छीन ली गई। लेकिन भाजपा वालों, आप भूल गए कि आप घड़ी घड़ी छीन सकते हो, अच्छा समय नहीं छीन सकते हो, वो अभी भी महाविकास अघाड़ी के पास है। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं, मैं शायरी भी सुनाऊंगा, मैं थोड़ी आपसे गुफ्तगू भी करूंगा। मैं तो पार्लियामेंट में खड़ा होता हूं ना, तो प्रधानमंत्री जी बड़ी अच्छी नजरों से देखते हैं, और मैं वहां खड़ा उनसे पूछता हूं कि मैं उनको बस उनके वादे याद दिलाता हूं। उन्होंने वादा किया था ना, नारे लगाए थे ना, बहुत बड़ी महंगाई की मार की बार मोदी सरकार। तब मैं उनसे कहता हूं, प्रधानमंत्री जी याद है या भूल गए आप, 2014 में नारा था बहुत ही महंगाई की मार की बार मोदी सरकार, और हुआ क्या, जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वहां पहुंच गया 100 रुपए के पास गया, वो गैस गैस सिलेंडर जो 400 रुपए था वो 1000 के पहुंच गया। अरे भाजपा की सरकार है, महायुति की सरकार है, जो फिल्म टैक्स करती है लेकिन कफन जीएसटी लगाती है, कफन टैक्स देने वाले वाले होंगे, इसलिए इनके झांसे में नहीं आना है। मैं इन दिनों पूछता हूं उनको नारा याद दिला दिलाता हूं, उनका भाषण याद दिलाता हूं कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। तब मैं उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, मुझे लगना चाहिए कि मैं जिन लोगों के बीच में खड़ा हूं, मुझे लगना चाहिए मैं उसे उस सेवर के बीच खड़ा हूं जिसकी प्रशंसा हम सुनते रहे।
ये एक चीज जान लीजिए, चुनाव जो है ना वो सिर्फ खामोशी से नहीं लड़ा जाता, हौसले से लड़ा जाता है। आज की इस रैली में लोग आए भले ना हो लेकिन लाइक देख रहे होंगे, तो ये भी तय है कि आज नींद नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो जोश है ना वो पूरे महाराष्ट्र में जाए, दिल्ली तक जाए, ताकि ये तोड़ की राजनीति करने वाले धोखेबाज हैं, इनको सबको ये महसूस हो कि हाँ अब मराठवाड़ा की जनता, खास तौर से घनसावंगी की जनता जागृत हुई है और एकजुट हुई है हमारे कार्यकारी के लिए, एकजुट हुई है राजेश टोपे जी के लिए। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, अगली लाइन पे तैयार रहे ना, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत समझदार लोग हैं आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चौकीदार नाम लोग समझ जाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। मैं सलाम करता हूं आपकी सोच को, आपकी जिंदादिली को, आपकी जागरूकता को। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय आप बोलो मत, मैं देश में जहां भी खड़ा होता हूं चाय बोलता हूं, लोगों को स्वाद आ जाता है। ये कमाल है भाई आप लोगों का, मैं मतलब आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, बताइए आप। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई तेल बिक गया बिक कहा भाई अड्डा, और महाराष्ट्र वालों के साथ साथ अलग अलग तरह का त्योहार किया जा रहा है, अलग अलग तरह का। ये महाराष्ट्र की भूमि है। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 2022 किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, दुगनी तो नहीं छोड़ी है, आधी हो गई कि नहीं हो गई। वादा किया था कि नागपुर में एयरपोर्ट के पास एयरबस की फैक्ट्री लगाई जाएगी, जानते हैं क्या क्या किया गया? उसे गुजरात लेके चले गए, गुजरात के लेके चले गए। मैं खड़ा होकर सीधे सीधे बात कह रहा हूं, नागपुर में लगने वाली एयरपोर्ट के पास लगने वाली एयरबस की फैक्ट्री गुजरात क्यों लेके चली गई भाजपा सरकार? जवाब दे, ये महाराष्ट्र के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार है। महाराष्ट्र में फॉक्सकॉन की फैक्ट्री लगनी थी, वो भी गुजरात लेके चले गए, गुजरात लेके चले गए, ये महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार है। 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र से छीन कर दूसरे राज्यों को दिया गया है। 20 तारीख आपके साथ हुए हर सौतेले व्यवहार का बदला लेने की तारीख है, आपको ध्यान रखना है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई तेल बिक गया बिक कहा भाई अड्डा। अगली पंक्ति में नाम आने जाने जा रहा है ना, उस पे दिल में थोड़ा सा गुदगुदी होनी हो ना, तो तालियों में बदलना महाराष्ट्र वालों, कि रेल बिक गई तेल बिक गया बिक कहा भाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा, के जनता
चौकीदार कहां सोया है चौकीदार विजय नमक के नीचे से होगा जाए फरार कहां सोया है चौकीदार कहां सोया है चौकीदार अभी इस बात पर महाराष्ट्र में भाषण कर रहे थे प्रधानमंत्री कह रहे थे बताओ कांग्रेस वालों 70 साल का हिसाब दो। अरे मैं खड़े कहता हूं कि भाजपा वालों जो सरकार चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है हिसाब तो आप दीजिए घनश्यामी वालों 10 साल में रेलगाड़ी से बैलगाड़ी पहुंचा दिया है इन्होंने इसलिए होशियार रहिए समझदार रहिए अगर 70 साल मिल गए तो ये मानव बना देते हम लोगों को इसलिए बहुत समझदार रहने की जरूरत है। आपसे बस इतना अपील कर रहा हूं कि ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। मैं हजारों किलोमीटर दूर से चल के आपके सामने दामन फैला के कहने आया हूं कि मैं महाराष्ट्र के जिन इलाकों में जा रहा हूं महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है और राजेश पेजी जी का शरद पवार जी से इतना निष्ठा का संबंध है आप सारे लोग जानते हैं। पिछली बार जिस तरह से महाराष्ट्र की सेवा स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए की है हेल्थ मंत्री रहते हुए की है अंदाजा लगाइए कि इस बार सरकार बनेगी तो ये और कितना कामर होकर के आपके सामने लौट आएंगे। तो आप 20 तारीख को घर बाहर निकल ईवीएम की कतार में लगना तो ये मत सोचना कि आप सिर्फ एक आमदार चुनने जा रहे हो। आप आने वाली सरकार का एक बहुत ताकतवर मंत्री चुनने जा रहे हो ये सोच के घर से बाहर निकलना। यहाँ बड़ी तादाद हमारे बुजुर्ग बैठे हैं माएं बैठी हैं मेरी आवाज माओं बहनों तक जा रही है। मैं सबसे अपील करते हुए कह रहा हूं भाजपा की सरकार में शिंदे की सरकार में यहाँ जो प्रत्याशी है उनको देख लीजिए यहाँ से उछल करके वहां गया है कोई एक पार्टी से उछल करके अपक्ष लड़ रहा है लेकिन चट्टान की तरह एक आदमी खड़ा है जिसका नाम राजेश भैया टोपे है जो कल जहां था वही खड़ा है क्योंकि हल्की आंधियों से जो मजबूत दरख्त हैं वो उखड़ते नहीं है वो हिलते नहीं है। इसलिए मेरे भाई पिछले कई वर्षों से आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं अपने समाज के लोगों से विशेष तौर पर बात कहना चाहता हूं कि वो अपने कराए हुए काम तो आपको गिना ही रहे थे वो चाहे उर्दू मदरसों को मंजूरी हो या कब्रिस्तानों की वॉल कंपाउंड हो या फिर अंबर मदरसे को अंबर फंड से पीने के पानी की पाइपलाइन हो या शादी खाना हो या फिर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए तंत्र निकेतन महाविद्यालय में स्पेशल कोटा हो ये जो काम है करते हुए उन्होंने ये नहीं कभी सोचा कि कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन सिख कौन ईसाई। ऐसे में हमारी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इस चुनाव में अपना एक भी वोट कहीं इधर उधर देने का मतलब है सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाना। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं ये आपसी मनमुटाव आपसी गुटबाजी ये घर तक रखिए सियासी फैसले आपसी गुटबाजी और आपसी मनमुटाव से नहीं होते हैं उसके लिए दूरदर्शी रखनी पड़ती है दूर कर सोच के चलना पड़ता है सिर्फ आमदार चुनने के लिए वोट नहीं देना है महाराष्ट्र में सरकार बदलने के लिए देना है इसलिए घर बाहर निकलना है। और एक चीज जान लीजिए जब तक सारे समाज एक नहीं होते हैं तब कोई बदलाव नहीं हो सकता है तो वो चाहे किसान भाई हो चाहे दलित भाई हो चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हो नौजवान महिलाएं हो सबसे अपील करता हूं कि इस बार 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और राजेश भैया टोपे जी के लिए अपना दिल खोल करके
तीन नंबर का जो बटन है ना, ये जो तुतारी है ना, जब तुतारी बजती है ना, जब बिगुल बजता है ना, जब नगाड़ा बजता है ना, गद्दार कहाँ चले चले रहते हैं, पता भी नहीं चलता है, चुनाव निशान भी अच्छा है, इस चुनाव निशान को याद रखिए, घर से बाहर निकलिए और अपना एक एक वोट लेकर के राजेश भैया टोपे के लिए तीन नंबर वाला जो ईवीएम का बटन है वो दबाइए, इन्हें जिताइए और एक बात ध्यान रखिएगा, आपका राजेश भैया टोपे को दिया गया एक वोट सिर्फ राजेश भैया टोपे को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को भी मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक वोट इस देश में दलितों की सबसे बड़ी आवाज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी मिलेगा, आपका दिया गया एक वोट उद्धव ठाकरे को भी मिलेगा, आपका दिया गया एक वोट शरद पवार जी की जो 50 साल की राजनीति है उसकी निष्ठा का सबसे अच्छा समर्पण होगा, आपका दिया गया एक वोट आपके इस बेटे आपके इस भाई इमरान गरीब गरीब पे एहसान होगा, ये अपील करने के लिए बीच में आया हूं और आपसे कहता हूं कि आप यहां जिता करके असेंबली में पहुंचाइए, ये असेंबली में आपके मुद्दों पर लड़ेंगे और मैं देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर लड़ूंगा, एक जिताइए एक साथ में फ्री फ्री पाइए, अच्छा अच्छा क्या हो सकता है, आमदार जिताइए खास फ्री में मिल रहा है, ये यहां लड़ेंगे मैं वहां लड़ूंगा, मुंबई से लेकर दिल्ली तक सामंगी के लोगों की लड़ाई को हम लोग कमजोर नहीं पड़ने देंगे, मैं आपसे अपील करता हूं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं, वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं, मेरे भाई उनके पास पैसा बहुत है, खरीदने की कोशिश करेंगे, बांटने की कोशिश करेंगे, जानते हैं सीधी लड़ाई में जीत पाओ तो बांट दो, हजार रोड 500 रोड किसी ब्लॉक में किसी पंचायत में अगर कहीं बर्बाद हो जाता है तो उसका भी फायदा उन्हें मिलता है, इसलिए एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है, ये सोच बना कर घरों से बाहर निकलना है, और ये भाजपा वाले जब झूठ बोले तो इनके झांसे में मत आना, वो शिंदे भाजपा और अजीत पवार जी के गुटके के मंत्री साहब गांव में गए, बड़ा मजे का वाक्य सुनिए, मंत्री जी जब गांव में गए तो उन्होंने जल्दी जल्दी गांव के लोगों को इकट्ठा किया, बोले इधर आओ, हम आज गांव की समस्याएं समाप्त करना चाहते हैं, गांव वाले आपकी तरह भोले भाले लोग इकट्ठा हो गए, बोले बताओ गांव की क्या समस्या है, तो गांव वालों ने कहा सौ समस्या है, बोले पहली पहली बताओ, बोले साहब गांव में हॉस्पिटल नहीं है, उन्होंने पता नहीं कहां मोबाइल निकाला फोन लगाया डांट के कहा कि ऑफिसर सर मुझे इस गांव में भी टेम्परेरी हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, मैं गांव के लोगों के सामने खड़ा हूं, इनसे वादा कर रहा हूं, और फिर फोन काट काट के कहा कि देखो मैंने तुम्हारी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी बताओ, तो गांव वालों ने कहा दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में मोबाइल का कोई टावर नहीं आता, ये है भाग्य लोग, ये है शिंदे के लोग, झूठ आपके सामने ऐसे बोलेंगे कि आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए धोखा खा जाए, आज भाई किन हर चंद्रों से हमारा लापता है, लेकिन इनका हर वादा झूठा है, ये धोखेबाजों की पार्टी है, धोखेबाजों की पार्टी है, इनसे होशियार रहने की आवश्यकता है, और जिन्हें ये लगता है कि साजिश करके धोखा दे करके राजेश भैया टोपे का कुछ बिगाड़ लेंगे, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, राजेश भैया इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, आप मैं एक बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, घनश्याम वाली वाला, मैं ट्विटर पर पहली बार राजेश भैया टोपे के बारे में जाना जब इनके किए गए काम को WHO ने नोटिस लिया, कहां WHO अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक मैसेज गया कि महाराष्ट्र का हेल्थ मिनिस्टर है जो कोरोना के बीच में एक एक व्यक्ति की ऐसी सेवा कर रहा है जैसे परिवार के लोगों की सेवा की जाती है, इन्होंने उस दौरान जिंदगी में मां से बढ़के तो कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं, कोई कामयाबी, कोई पद, कोई शोहरत, कोई दौलत मां से बढ़के नहीं है,
वो भी कुर्बान हो गया, वो भी इनसे बिछड़ गई। उस कुर्बानी का तो मोल नहीं हो सकता ना, उस समर्पण का तो कोई मोल हो ही नहीं सकता। लेकिन ये फिर भी अभी आपकी सेवा करता रहा। और आज जब चुनाव के मुहाने पर महाराष्ट्र है, सावंगी खड़ा है, तो अगर ऐसे सेवा करने वाले लोगों भी अभी लोगों के बीच में जाके दामन फैलाना पड़े, तो मुझे लगता है ये उस प्रेम का अपमान होगा जो आपने निष्ठा करने वाले नेताओं से करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप क्या वो लोग हैं ना, मैं बहुत बड़ी 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 बात कह रहा हूँ, मेरे समाज के जो लोग बैठे हैं उनसे बड़ी बड़ी बात कह रहा हूँ। अरे अरे आप वो लोग हैं ना जो इस बार बड़ी मान रहे हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे देनी चाहिए। रखते हैं नहीं रखते हैं, मैं रखता हूँ इस बार के मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे देनी चाहिए। तो मैं इस भाई के लिए अपना दामन आपके बीच में फैला कर खड़ा हूँ कि कोरोना में किए गए इनके काम जो थे ना, अभी उनकी यादें ना भूली हैं ना इनकी मेहनत का वो पसीना सूखा है। 20 तारीख वो दिन है कि जब आप घरों से बाहर निकलेंगे और अपना एक वोट वो किसी भी समाज के लोग हो, एक एक वोट राजेश भैया टोपे को देके आएंगे, और जिन्हें लगता है कि साजिश करके राजेश भैया का नुकसान कर लेंगे उन्हें बताया जाए के दायरे में सिमट के आएगा। आज पीछे तक लोग खड़े हैं, आज से घनश्यामी के हर मोबाइल हर स्टेटस व्हाट्सएप का इंस्टाग्राम का यूट्यूब का फेसबुक का ट्विटर चलाते हैं ट्विटर का ये पंक्तियां होनी चाहिए के दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पल के आएगा। इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती। जो बांटने की बात करने वाले लोग हैं, हम मफाद के लिए उन्हें बताओ कि इमरान तारीर राजेश टोपे या सुषमा ताई, ये इनका धर्म अलग अलग हो सकता है, जात अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये इंसानियत और मानवता के रिश्ते से एक है, और इनका काम सिर्फ जनजन की सेवा करना है। अपील कर रहा हूँ मेरे भाई। अच्छा फिर से सुनाना है, फिर से सुनाना पड़ेगा। अच्छा दायरे में सिमट के आएगा, मैंने कहा ना जो आएंगे आपको धमकाने की कोशिश करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे, बांटने की कोशिश करेंगे, उनसे कहना है कि जुल्म कर दिए जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म कर दिए जवानी नहीं नहीं मांगोगे, खून में अपने जवानी नहीं नहीं मांगोगे, मेरे मम्मी के घरों पे बरसने वालों मैं जो गर्जूंगा तो पानी नहीं नहीं मांगोगे, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा,
देखिए ताली में माला पहना दी और मुझे लगता है कि ये माला जो है जीत की है, तो इसके असली हकदार जो है वो राजेश दहिया है। मैं पढ़ता हूं पंक्तियां के गारे में सिमट के आएगा, हर हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को सरा खबर कर दो, आंधियों को सरा खबर कर दो, शेर वापस सलक के आएगा, शेर वापस सलक के आएगा। उठाइए गाड़ी हाड़ी चालो चालो अभी आप अपनी काली जी अभी सभी आशी धन्यवाद धन्यवाद। हेलो हेलो एक एक जोर से जोर से ना कोरोना कोरोना अरे कोरोना कोरोना अरे कोरोना सर्वांना